समय ऐसा आ गया है कि जब जब भी कोई भी जुल्म ऊपर जा रहा है, आप सामने देख रहे हो। चलो वो तो हम देख रहे हैं लगातार चार दिन से, सामने देख रहे हो। हम चार दिन से देख, क्या ये आतंकवादी हैं? नहीं, वही हम कह रहे हैं इस लड़ाई का अंत क्या होगा भी? इस लड़ाई का अंत ये होगा, देखो जब दो लोग लड़ते हैं तो एक ने तो झगड़ा पड़ेगा। हरियाणा में कहावत है रे मट्टी खराब मट्टी ब्रुन मट्टी, इन तीन वन छोड़ के चौथी मट्टी इसकी होगी जो नया नाम मिल लगा। लेकिन तो ना कौन का है, कौन का है, सत्ता किसकी है? देश में कितने मंत्रालय हैं? रेल मंत्री क्या कर रहा है? सारे डरे हुए वो तो अरे डरे क्यों है? रेल मंत्री क्या कर रहा है? कृषि की बात। रक्षा मंत्री क्या कर रहा है? कृषि की बात। गृह मंत्री क्या कर रहा है? कृषि की बात। प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? कृषि की बात। और जो इनके छोटे मोटे पिछले को छुट भैया है ना जो गांव में पड़े हैं, आज से जब 90 साल तक हमारे देश ने लड़ाई लड़ी ना, 90 साल तक 1857 से 1947 तक, तो हमारे कुछ लोग फिरंगियों से मिले हुए थे जिनको हम एक देसी भाषा में कहते थे ये अंग्रेजों के दलाल हैं, गद्दार हैं। आज वैसे ही हमारी जो वोट लेके झूठे लोग संगियों से मिले हुए हैं वो किसानों के गद्दार हैं। ये सिंह और संगियों की लड़ाई है, जैसे फिरंगी गए थे वैसे संगियों को रात में जाना पड़ेगा। इस प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री मानते हो? जो प्रधानमंत्री के जिस नहीं, वो तो प्रधान सेवक है। नहीं, प्रधान सेवक नहीं, वो पीए है, प्रधान नौकर पीए है। बनाया पीएम, निकला पीए, वो भी और पीए का और पीएम का बीच का डेफिनेशन इसका करेंगे पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम कब होता है? जब वो मर जा, इसका समय आ चुका है। लेकिन वो तो खुद कह रहा है, बोले हम तो किसानों के बीच में से जो दलाल हैं कमीशन खो रहे हैं। इनसे बड़ा दलाल कौन है? बड़ा दलाल ले रहे हैं। बड़ा दलाल कौन है? नहीं, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, अगर नरेंद्र मोदी दलाल नहीं है और इसकी पूरी बीजेपी दलाली नहीं कर रही, तो आज 50 से ऊपर किसानों ने शहादत दी और 44 जवानों का इस आदमी ने कत्ल करा दिया, कभी चाइना बॉर्डर पर कत्ल करा दिया, और ये पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए जा रहा है, कभी नवाज शरीफ की मां मरने के लिए रोने के लिए जा रहा है। क्या मेरे देश के किसान के मेरे भाई इतना विरोध के बाद भी सरकार आ रही है? बंगाल में भी वो कह रहे हैं, बोले हम 200 से पार सीट लेकर के जाएंगे। मैं तो कहूंगा कहां से, मैं कहूंगा परसों शपथ लेगा मेरा भाई प्रधानमंत्री का, आप मेरी पूछ पाड़ोगे? आप पूछ, मैं करो, आप मेरा करोगे क्या? ये प्रधानमंत्री की शपथ लेगा? ये झूठे है, प्रोपगंडेदार है। इन्हें 70 साल में जो एक खाकी कछनी से पेंट लेने में तो 90 साल लग गए। संघ ने 90 साल पहले कच्छे में ट्रेनिंग की थी, 90 साल के बाद पेंट पे रही है। वो तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी इज द रेस, लंबी रेस चलने के लिए। मतलब कच्चे कच्चे में रेस करो, यो सारा देश कच्चे में आ गया, वो पेंट में आ गए। तो वही तो पूछ रहे हैं, धीरे-धीरे मतलब सारा देश आज कच्चे में है, आज संघ पेंट में है। अरे मेरे भाई, तो आप किसानों का हाथ हो गए हाइवे पे, आपको ऐसा हाइवे कहीं मिलेगा कोई बैठने देगा? किसको, इनके बाप का हाईवे? तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, इनके बाप का है? अरे हाईवे पे इनका आगे आगे पीछे कुछ है? भजिया खा रहे हो? मैं आज एक बार बताऊं आपको, ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है, ये सबसे बड़ा हिंदू विरोधी है। रामचंद्र जी जब वनवास गए तो वहाँ सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए थे, और जब रामचंद्र जी ने कहा कि भाई मैं गंगा पार कर रहा हूँ, नर और नारी अपने घर जाओ, जो किन्नर थे वहीं बैठे रहे, जो 14 साल में आए तो वहीं बैठे पाई। जब ये मोदी नाम का आदमी वापिस आया, बोले अभी तुम क्यों बैठे हो रहे? बोले तेरी भाण के तन तो मर्द और औरत भेजा था, अगर मारा नाम लिया था। बोला जाओ तुम भी राज करोगे, आज हिजड़ों का राज इस दिल्ली में, आज हिजड़ों का राज है इस दिल्ली में। 300 के 300 सांसद हिजड़े है, शर्मनाक बात है। प्रधानमंत्री मनचाहा काम कर रहा है देश का, कोई सांसद नहीं बोल रहा, इससे घनौनी और अपनी वोटों को बेचने का काम जो इन सांसदों ने किया है, ऐसा दुष्ट लोग ऐसे गद्दार अंग्रेजों के सामने भी नहीं थे। मोदी सरकार, अरे मोदी सरकार, ये बहुमत नहीं है। बहु का नाम लेते हो तो मोदी ऐसे डरता है जनू सांप दी क्या? बहु तो इसने अपनी नहीं रखी, ये मत कहा रखेगा। तेज बहादुर जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम जो भारत के लोग हैं अपनी संस्कृति से भी जुड़े हैं, ये सत्य है। इसमें भारत और उसी का इन्होंने इस्तेमाल किया था धर्म का। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, क्योंकि ये तो हमारे इतिहास में लिखा है। बाबा से पूछे, बाबा आपके तो बेटे की उम्र का क्या कह रहा है ये तेज बहादुर? तेज बहादुर सही कह रहा है क्या भाई, जो धोखेबाज है,
जो अपनी सात वचन दिए थे उसको धोखा दिया है तो ये शपथ भी झूठी खा रहा है। वो था ये जयचंद बगरे आगे थे और जितनी तेजी से आए थे वापिस होने शुरू हो गए हैं। और ये आपने डंपर डंपर हमारे लिए कुछ नहीं है। जब समुद्र के अंदर पुल बना लिया था तो हम क्या इनको नहीं लांग सकते? तो देख लो फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। ये फ्लाईओवर क्या है? ये तो ये क्या है? ये देख करके क्या होता है? ये देख करके ये होता है कि सरकार बड़ी भयभीत है। जिस मोदी जी ने दहशत की राजनीति करी थी और आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने हाजिर जजों ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था देश की मर्यादाएं मिट गई हैं और सभी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं सब खराब हो चुकी हैं। हम देश को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देश में सब कुछ ठीक नहीं है। वो आज देख रहे हैं हम मोदी अमित शाह जी का एक केस था, एक जज थे, उनको पहले खरीदने की बात करी, फिर उनको डराने की बात करी और फिर वो नहीं माने तो चार सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर एक शादी समारोह में गए हुए थे, एक होटल में उनको साजिश के तहत बिठा करके और उस जज का मर्डर कर दिया, लोहिया और वो लोहिया का। और जब उसका लड़का बोला उसको दहशत से बंद कर दिया और उस जज साहब का मेडिकल पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। क्या कारण थे? हर चीज को निकल करके ये एक संघ की। लेकिन बाबा इन अध्यादेशों से उन चीजों का कहां तालमेल? नहीं, ये तो उनकी कार्यशैली बता रही है। जैसे ये झूठ बोल रहे ना उसका पर्दाफाश तो इसी से हम कह रहे हैं। आप अध्यादेश के बारे में, अध्यादेश के बारे में ये है आपके लिए बढ़िया बनाया ना, वो तो कह रहे हैं हमने तो बहुत बढ़िया किसानों को दिया। देखो देखो मोदी आज तक किसानों ने कभी, एक बात मैं कहूंगा, मोदी जी बार बार एक बात याद आगे, मोदी जी बार बार कहते हैं कि राजीव गांधी जी कहते थे कि केंद्र से एक रुपया चलता था 15 पैसे मिलते थे, वो मोदी ने 15 भी बंद कर दिए ना आपको दे दो। सुनो सरी, वो मोदी का बताऊंगा आपको कैसे कर दिए। कृषि का बजट केंद्र का भी है, राज्य सरकार का भी है और कृषि बीमा योजना लाए और उस बीमा योजना में किसान की जेब भी काट ली। और अगर मैं एक एकड़ का बीमा कराता हूँ तो मेरी जेब से भी पैसे लेंगे। सुन तो लो बीच में ना बोलो, आप सुन लो पहले। वो जेब किसान की भी काटते हैं और फिर उस प्रीमियम में राज्य सरकार के बजट से कृषि का बजट से भी पैसा देती है सरकार और फिर केंद्र सरकार भी देती है। यानी राजीव गांधी तो केंद्र वाले की कहते हैं, ये राज्य सरकार वाले ने भी खा करके कंपनियों को दे दिया, जेब किसान की भी काट ली। और वो जो कृषि बीमा फसल योजना में प्रावधान है उसमें किसान की बजाय बीमा कंपनियों को बिजनेस के लिए एजेंट का काम सरकार कर रही है और मोदी सरकार झूठ और छल से कर रही है। 15 पैसे भी बंद कर दिए। एक बात बताओ, एक बार वो 15 पैसे भी बंद कर दिए। तो अब एक बात बताओ ना, देश को मोदी जी चला रहे, अडानी अंबानी चला रहे, आप कंफ्यूज है या तो मुझे लगता है थोड़ा सा, या बताओ भले हम कंफ्यूज नहीं है। हम बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने सारे देश का राज स्थापित करके देश का जो पहचान थी उसको भी इंडिया बना दिया, हिंदुस्तान भारत की पहचान गुम कर दी। तो अब ये तो अडानी अंबानी तो भारत का ही है। भारत के तो हैं लेकिन पूंजीपति व्यवस्था है और पूंजीपति के अधीन होकर के कंपनी राज होगा और सरकार तो उसकी एक चौपड़ासी का काम करेगी। अच्छा, अब एक तो ड्राइविंग करता है रोडवेज में, उसको तनख्वाह कितनी मिलती है? 70,000। और एक ट्रक ड्राइविंग करता है उसकी निजी की, उसको मिलते हैं 10,000। तो सरकारी नौकरी है ही नहीं, अब देंगे कहां से? सरकार तो ये सारा निजीकरण कर रही है, इसीलिए तो मार रहे हैं जनता को। ठेकेदारी प्रथा से ठेकेदार पाल रहे हैं, आम जनता का घूम पीने के लिए ठेकेदार ला दिए, निजीकरण ला दिया। तो ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। एक बात बताओ आप, टैक्स दाता कौन है? टैक्स पे कौन करता है? और नाम किसका लगता है?
अडानी अम्मा ने क्या, हाँ वो भोगता कर देता है सारे देश का, और वो कर पे बताते हैं अडानी अम्बानी की, और जहां जा करके चीज का खपत होगा वो भोगेगा, वो करदाता तो वही है, करदाता हमें देश का बजट हमारा है, और अम्बानी अम्बानी को हम नहीं खाने देंगे। जय जवान, हमारा बजट हम लेंगे। एक चीज बताओ, आपने पूछा अडानी अम्बानी हिंदुस्तान के, मान लिया हिंदुस्तान के, सोनिया गांधी कहाँ की है? उसे तो विदेशी बताते हो। नहीं, किसी के घर में अपने घर की बेटी बहू बन सके, वही तो हम पूछ रहे हैं, तो वही तो और क्या कह रहा हूँ मैं, लड़का तो दूसरी जगह ब्याह जा है, ये अडानी अम्बानी भी विदेश चले गए, तो ये तो मरी है सेंजी, सोनिया गांधी मारी है, ये भी और किसी के हो जाएंगे। दूसरा ये है, पूरी गुजरात के अंदर कृषि बीमा योजना बंद कर रखी है, आप आंकड़ा देखना, जब गुजरात के अंदर किसानों ने आंदोलन किया तो कृषि बीमा योजना को बंद करना पड़ा और देश में लागू करा। 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान का किसान का कर्जा नहीं है सेंटर की सरकार पे, 45 लाख करोड़ का कर्जा किसान इनको मांग रहा है, जबकि इनकी नीतियों की बदौलत 3,97,672 किसानों ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट आने के बाद आत्महत्या की है, और एक बार भी किसी मीडिया ने आज तक यह नहीं बताया कि 3,97,672 किसानों ने आत्महत्या की। मीडिया आपको सुशांत दिखा रहा है, आपको फिल्म इंडस्ट्री से दिखा रहा है, कम थोड़ा नहीं दिखा रहा, आपको पता होना चाहिए ना आपका फेवरेट हीरो कैसे मरा है। ऐसा है भैया, जिस आपको शायद यहाँ खड़े लोगों को बहुत कम जानकारी होगी, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो देश के अंदर कुल 20,000 फॉरेस्ट थी, जिसमें 13,000 अंग्रेज थे, 7,000 हिंदुस्तानी थे, और कभी जाके घर पढ़ लेना, आज हिंदुस्तान के अंदर 2,00,000 न्यूज़पेपर गिरवाए थे हेलीकॉप्टर से अंग्रेजों ने, मुसलमानों में डलवाए थे कि हिंदुओं को मुसलमान काट दिए हिंदुओं ने, और हिंदुओं में डलवाए थे मुसलमान काट दिए, इस तरह से इन लोगों ने गृह युद्ध करा के 2,00,000 लोगों का कत्लेआम कराया था। ये उसी स्ट्रेटजी के लोग हैं, उसी भाषा के लोग हैं, उन्हीं अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, उन्हीं अंग्रेजों के दलाल हैं,